आवाज न्यूज के खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस बार आवाज न्यूज आपको दिखाएगा महायुद्ध, एक ऐसा महायुद्ध जो उत्तर प्रदेश से स्टार्ट हुआ और राजस्थान में जाकर खत्म हुआ। सियासत कहें या सियासत की राजनीति कहें या राजनीति करने वालों की बात कहें, मैं एक ऐसे महायुद्ध की बात करने जा रहा हूं। आवाज न्यूज के इस महायुद्ध में आज कहानी बताते हैं मंदिरों की, एक संप्रदायता की, या बात की जाए धर्म की, या बात की जाए मानवता की। एक तरफ मानवता को खत्म कर दिया गया, एक तरफ बुलडोजर के नाम से मंदिरों को समाप्त कर दिया गया। एक लहर हिंदुस्तान के अंदर इस प्रकार से मची कि चारों तरफ हाहाकार मच गया। हिंदू मुस्लिम से लड़ने लगे, मुसलमान हिंदू से लड़ने लगे, लेकिन सियासत की राजनीति कहें या राजनीति का वह पड़ाव कहें जिसके अंदर आदमी या हर मनुष्य जो देशवासी अपने आप को कहता था, ये देशवासी अब मंत्रमुग्ध हो चुके हैं। मैं बात करने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश के बुलडोजर की। यह बुलडोजर उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव के अंदर काफी चर्चा में रहा और यही बुलडोजर जब राजस्थान के अंदर आया तो गहलोत ने इस बुलडोजर को पार कर दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात बताने जा रहे हैं जिसने इस यूपी के बुलडोजर को राजस्थान में पार कर दिया। राजस्थान में पार करने का जो सबसे बड़ा जो चीज सामने आई, आपको बता दें कि आवाज न्यूज के इस महायुद्ध के अंदर यह बुलडोजर 300 साल पुरानी हमारी विरासत, 300 साल पुरानी हमारी संस्कृति, 300 साल पुरानी हमारा मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया। गहलोत सरकार द्वारा हमेशा बात की जाती अतिक्रमण को लेकर कि मंदिर पे वह जगह जो राजस्थान सरकार की है, वह भूमि पर जो मंदिर बना हुआ है वो मंदिर अतिक्रमण की जगह थी, इसलिए गहलोत जी ने उस मंदिर पर बुलडोजर चला दिया, उस मंदिर को 2 मिनट के अंदर ध्वस्त कर दिया। एक बार गहलोत जी सोचते कि मंदिर को तोड़ने से पहले लोगों की आस्थाएं क्या थी, उन लोगों के खून के आंसू जो उन रोए हैं वो क्या थी। यहां तक कि भगवान शंकर जिसे महाकाल कहा जाता है, उज्जैन के अंदर जिस महाकाल का डंका बजता है, लोग उज्जैन के अंदर जाके उस मंदिर को चरण धोते हैं, जाकर अपनी जीवन की कामना करते हैं। उस महाकाल को, उस भगवान शंकर की मूर्तियों को इन लोगों ने कटार से काट दिया। आखिर आस्था की बात की जाए तो आस्था कहां गई, धर्म की बात की जाए तो धर्म कहां गया। जहांगीरपुर की मस्जिद को जब अगला हुआ हिस्सा जब तोड़ा गया, उस हिस्से तोड़ने के बाद में माखन जी वहां पहुंचे, आम आदमी पार्टी के नेता भी वहां पहुंचे, ओवैसी जी भी वहां पहुंचे, उसके बाद में उन लोगों के बीच में एक महायुद्ध रचा। आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी ने भी अपनी टीम को तैयार किया और इस महासंग्राम की इस भूमि के अंदर कृष्ण और अर्जुन बनकर, कौरव और पांडव बनकर ये लोग युद्ध के अंदर लड़ने लगे। अंजाम क्या हुआ, वह बुलडोजर अलवर में आ चुका। अलवर के अंदर 300 साल पुराना मंदिर जो है ध्वस्त किया गया, उसकी मैं बात करने जा रहा हूं। आखिर वो मंदिर ध्वस्त किया तो उसके पीछे कहानी क्या थी, कारण क्या था 300 साल का मंदिर। क्या हमने, गहलोत जी ने ये नहीं सोचा कि 300 साल का जो मंदिर है वो मंदिर मुगल शासन के समय का था या वो मंदिर ब्रिटिश सरकार के शासन का था? क्या आज तक उन्हें वह मंदिर दिखाई क्यों नहीं दिया? अंत में जाकर उस मंदिर को उन्होंने ध्वस्त कर दिया। क्या यह अतिक्रमण की कहानी है या संप्रदायिकता की कहानी है या सेकुलरिज्म की कहानी है? हर बार मंदिरों पर चोर की जाती है, हर बार आस्थाओं पर चोर की जाती है, लेकिन हमारी सरकारें हमेशा चुप रहती है। जो माखन, जो ओवैसी और जिस प्रकार के नेता जिस दिल्ली के मस्जिद तोड़ने के बाद में लोगों ने कोर्ट पहुंच गए थे, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, अलवर के मंदिर तोड़ने के बाद में सुप्रीम कोर्ट तो कहा, वह सेशन कोर्ट भी नहीं पहुंच पाए। सबसे बड़ा सवाल राजस्थान सरकार से और गहलोत सरकार से कि इस संप्रदायिकता जैसे देश के अंदर, इस भारत जैसे जो धर्मनिरपेक्ष देश है, जिस देश के अंदर होली भी मनाई जाती है, दिवाली भी मनाई जाती है, ईद भी मनाई जाती है, हर ईद पे एक दूसरे को हम लोग गले मिलकर एक दूसरे को बधाई देते हैं, एक दूसरे की शुभकामनाएं देते हैं, एक दूसरे के मानव जीवन के कल्याण के लिए हम लोग हमेशा आगे आते हैं, तो आप इस प्रकार की गंदी राजनीति यहां मत खेलिए, हमारी विरासत को मत छेड़िए, हमारे अंदर बैठे हुए जो भगवान है उस भगवान को मत हिलाइए। यदि इस राजस्थान का भक्त जाग उठा, यदि इस राजस्थान का तांडव अगर राजस्थान में हो गया, तीसरी आंख यदि महाकाल के राजस्थान में खुल गई, तो राजस्थान के अंदर अनर्थ होना स्वाभाविक है। और आप देख रहे हैं आने वाले समय, अब चुनावों का समय है गहलोत जी, ये समय चुनावों का समय है। इस चुनाव के समय के अंदर आपको पता लग जाएगा कि जहां जहां मंदिर तोड़े गए हैं, जहां जहां मस्जिदें तोड़ी गई है, उनके बाद में आपका क्या परिणाम होगा। पूछता है हमेशा हर एक देशवासी, लेकिन आखिर ये लड़ाई बंद करें, इस राजनीति के सिस्टम को बंद करें, आइए देश के अंदर भाईचारा और प्रेम को एक सौहार्द जो है ये गंगा हम लोग आगे बढ़ाते जाएं।